योग दिवस के अवसर पर कोरबा पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि बृजमोहन अग्रवाल ने अपने इस्तीफे की इच्छा जाहिर की है, लेकिन उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अभी इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर विचार करेंगे। जब डिप्टी सीएम साव से बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार करने में लग रहे समय पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस्तीफे पर विचार करेंगे, मुख्यमंत्री जी अभी इस पर विचार करने के बाद निर्णय लेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव के इस बयान के बाद एक बार फिर सूबे की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, कोरबा वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे देश और दुनिया की तरह छत्तीसगढ़ में भी सभी स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है राज्य सरकार की ओर से, और सभी विभागों ने भी अलग अलग आयोजन अपने से किया है। जैसे नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा सभी निकायों में स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो, स्वास्थ्य कर्मी, इन सब को आज योग किया है। स्वच्छ मन स्वच्छ शहर के थीम पर हमने प्रदेश में आज के योगा दिवस को मनाने का निर्णय किया है। 10,000 से अधिक स्वच्छता दीदियां, स्वच्छता कमांडो ऑनलाइन माध्यम से आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी का इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं है, उन्होंने इच्छा जाहिर की है। ऐतिहासिक वोटों से जीत कर वे सांसद निर्वाचित हुए हैं। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का जहां तक प्रश्न है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा करके वे करेंगे, पर हमारी सरकार को बने लगभग 6 महीना हुआ है। 6 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। विभागों की क्या क्या योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा बातचीत करके आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार आने वाले समय में तेज गति से काम करेगी। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां भी हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दी है, और उसके लिए वार्डों का परिसीमन की कार्यवाहियां प्रारंभ हो रही है, और बाकी की तैयारियां भी धीरे धीरे करके नगरीय प्रशासन विभाग कर रहा है। महापौर के मंजूर नहीं हुआ बोल रहे हैं सर, विचार करेंगे, इस्तीफा दिया है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। इच्छा उन्होंने जाहिर की थी कि 6 महीने तक वो रह सकते हैं, तो देखिए अभी उन्होंने अपनी अपनी मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाहिर की है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय करेंगे। महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव का कब तक अंतिम निर्णय लिया जाए? देखिए मैंने बताया कि वार्डों के परिसीमन की कार्यवाहियां हमने प्रारंभ की है, और आगे की प्रक्रिया की किस पद्धति से चुनाव होगा बहुत जल्दी इसका निर्णय करेंगे। मैंने आपसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किस तरह से मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे।